तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आर एस टॉक चैनल पर। दोस्तों अगर आप तारक मेहता के फैन है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तारक मेहता से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है अय्यर भाई साहब। आप तो जानते हैं कि हमारे जो चैनल पे अधिकतर टाइम में हमारे बबीता जी के बारे में बात करते हैं, माधवी भाभी के बारे में बात करते हैं, एक्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना कि आज हमारे अय्यर भाई के बारे में बात किया जाए, क्योंकि मैं अय्यर भाई के बारे में कुछ फैक्ट्स पता कर रहा था तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगा। दोस्तों आप तो जानते हैं कि जो हमारे अय्यर भाई साहब है, जब से तारक मेहता का शो स्टार्ट हुआ है तब से ही वह हमारे हम सभी को हंसाते आ रहे हैं अपने एक्टिंग स्किल से, अपने बोलने के स्टाइल से। आप जानते ही होंगे कि जो हमारे अय्यर भाई है वह स्टार्टिंग में काफी ज्यादा कोशिश करते थे तेलुगु लैंग्वेज बोलने की, तमिल लैंग्वेज बोलने की, और वे बहुत ही अच्छा करते थे और वे आज के टाइम पे तो काफी ज्यादा अच्छे एक्टर हो गए हैं। वो उनकी एक्टिंग कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा निखर चुकी है और पहले भी अच्छी एक्टिंग करते ही थे। तो दोस्तों जो हमारे अय्यर भाई साहब है वह हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमें इतना हंसाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जो हमारे अय्यर भाई साहब है उनकी जो असल की जिंदगी है वह बहुत ही ज्यादा अच्छी शायद से नहीं है जिस तरह से लगती है, जिस तरह से वह पोर्ट्रेट करते हैं। क्योंकि दोस्तों एक तो उनकी शादी नहीं हुई है, अगर आपको नहीं पता तो ये फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अय्यर भाई साहब है उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक शादी नहीं किया है। इसका रीजन उन्होंने खुद ही बताया था कि उनको अभी तक वैसी लड़की नहीं मिली है जैसी कि उनको चाहिए। उनसे ये भी पूछा गया था कि आपको कैसी लड़की चाहिए, तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया था कि उनको सुंदरता से कोई भी मतलब नहीं है, अगर लड़की सुंदर नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन जो लड़की का दिल है वह बिल्कुल ही साफ होना चाहिए, दिल से कनेक्शन होना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे अय्यर भाई साहब है वह काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, वो बहुत ही अच्छे है लेकिन उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और हमें शो के बीच में हमें एक टाइम पे ये भी खबरें आ रही थी कि जो हमारे मुनमुन दत्ता है और जो हमारे अय्यर भाई साहब है उनके बीच में काफी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि जो हमारी मुनमुन दत्ता है वह अय्यर भाई को पसंद नहीं करती है, वह उनके साथ शूटिंग करना पसंद नहीं करती है, ऐसे खबरें भी आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अय्यर भाई साहब है उनकी जो जीवन है वह काफी ज्यादा कठिनाई से भरी हुई है, लेकिन वह फिर भी इतने सब कुछ झेलने के बाद भी आप सभी को इतना ज्यादा हंसाते हैं, हम सभी को इतना ज्यादा हंसाते हैं और इतने सालों से बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते आ रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगा कि जो हमारे अय्यर भाई साहब है उन पे हमें एक ना एक वीडियो बनानी चाहिए और हम सभी ये प्रेयर करेंगे कि जो हमारे अय्यर भाई साहब है उनको जैसी भी लड़की मिले, जब मतलब जैसी भी जैसा वह लड़की चाहते हैं वैसी लड़की उनको जल्दी से जल्दी मिले और उनकी शादी हो और वह खुश रहे। तो दोस्तों आप अय्यर भाई को कितना पसंद करते हैं, उनकी एक्टिंग को कितना पसंद करते हैं, और आपने अय्यर भाई की कोई बेहतरीन एपिसोड आपको याद है तो वो भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे एक एपिसोड याद है जब अय्यर भाई दारू वारू पीने लग गए थे, क्योंकि उनको लगा था कि जो बबीता जी है वह उनके साथ खुश नहीं है, वह उनको डिवोर्स देने वाले थे। तो वो जो एपिसोड था वह काफी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे और वह मेरा वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड था, क्योंकि वो एक तो बहुत ही लंबा स्टोरी था और वो बिल्कुल भी बोरिंग स्टोरी नहीं था, हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। अगर आपको यूट्यूब पे देखना है तो आप देख सकते हैं अय्यर भाई ड्रिंक वाला एपिसोड। तो दोस्तों आपको आपकी अय्यर भाई की कौन सी फेवरेट याद है ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।